नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के NH-58 पर बाबा का बुलडोजर जमकर चला। यहां बाबा के बुलडोजर ने कई जगह पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। वहीं हाईवे पर मिडवे होटल के मालिक का घर भी बना हुआ है, जिसकी नाप तोल तो कर ली गई, लेकिन वहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया। हालांकि नेशनल हाईवे के अधिकारियों का कहना है कि नपाई करने के बाद मकान स्वामी को समय दिया गया है और यदि इस समय के अंतराल में वह अपने अवैध निर्माण को नहीं हटाते तो स्वयं प्रशासन इसे हटवाएगा। वहीं इस दौरान कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया और सभी को चेतावनी दी गई, यदि कोई भी अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और निर्माण को ध्वस्त भी किया जाएगा। मुजफ्फरनगर का जो एरिया पड़ता है, मुजफ्फरनगर जिले का जो एरिया पड़ता है, उसमें आज जो हमारा नेशनल हाईवे 58 पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, जो भी मंसूरपुर थाने के क्षेत्र में आता है। ये हमारा वहाँ से स्टार्ट हुआ था सुबह 11 बजे और शाम के 6 बजे तक चलेगा। दोनों साइड में जितने भी अवैध अतिक्रमण है वो पुलिस के सहयोग से हटाया जा रहा है। अच्छा, कुछ अतिक्रमण छोड़ा जा रहा है जैसे कि निशान लगा, क्या उनको चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, किस तरीके? इसमें जिसने पूरा हाईवे पे अतिक्रमण कर रखा है उसको तो पूरा हटाया जा रहा है, लेकिन जिसका कुछ एक दो फुट का आ रहा है तो उसको चेतावनी देके एक दो दिन का समय दिया जा रहा है। अगर वो हटा लेगा तो ठीक है, नहीं तो इसकी जो हमारी जो ये प्रक्रिया है ये लगातार चल रही है, तो इसको एक दो दिन बाद अगर नहीं हटाएगा तो इसको हमारे द्वारा हटा दिया जाएगा। NH-58 पर कुछ पावरफुल लोगों का काम है, तो मंत्री वो के भी होटल हैं या कुछ जैसे राणा मैकडी वगैरह हैं, क्या इन पर भी प्रॉपर वही कार्रवाई होगी जो होगी? ये जो आदेश है, ये शासन का आदेश है, तो इसमें चाहे कोई भी हो, अगर उसने अवैध अतिक्रमण या अवैध होर्डिंग लगा रखा है तो वो हटाया जाएगा।